अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। एक नया दिन और नई उम्मीद के साथ आइए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने देखा कि चारों तरफ बेंगलोर के साउथ में बहुत ही पानी का किल्लत हुआ हुआ है, बिल्कुल भी पानी का सप्लाई नहीं है। ऐसे तो दो ढाई महीना से चल रहा था, लेकिन पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा हो गया था। पानी बिल्कुल आधा घंटा एक घंटा आता है, फिर चले जाता है। मैनेजमेंट ने बोरवेल को बुलाया, पूरा चेक करवाया। तीन चार रोज़ पानी बराबर आया, उसके बाद पानी और ज़्यादा ख़राब हो गया, वाटर सप्लाई और ज़्यादा ख़राब हो गया, नहीं आ रहा था। टैंकर आता जाता रहता है, टैंकर इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, मतलब जो एक मैडम है वो ख्याल रखती हैं पानी हर बिल्डिंग को जाना चाहिए, तो टैंकर यहाँ पे नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा है और आता है बस एक बार देख के चले जाता है। और यहाँ पे ऐसे है कि एक टैंक जो नीचे बोरवेल रहता है उस पर पानी बिल्कुल भी नहीं है, बस खाना पीना जैसे करके हो जा रहा है, सूखा रूखा जैसे भी हो जा रहा है। लेकिन आज मैंने थोड़ा सा नाश्ता में, ये कल रात को खिचड़ी बनाई थी, रात को 11 बजे पानी आया तो सब सफाई करके करते करते रात का 1:30 बज गया था, तो सादा खिचड़ी बना ली थी, थोड़ा बहुत खा ली थी भूख के वजह से, लेकिन उसको रख दी थी कि सुबह उठ के उसको अच्छे तरीके से थोड़ा सा मसाला डाल के बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं वही कर रही थी, बहुत ज़्यादा खिचड़ी था लेकिन मैं थोड़ा सा बनाई और बाकी मैं रख दी कि मैं शाम को बना लूँगी, क्योंकि एक थोड़ा सा ऐसे भी रख दी थी और एक मसाला मिला के वो भी आधा रख दी थी, पूरा खाया नहीं गया। बच्चे लोग का खाना हो गया था, मैं भी थोड़ा देर में निकलूँगी इंशाल्लाह कि वो पानी का डब्बा लेने के लिए। देखती हूँ कि हर कोई यहाँ पर बड़ा बड़ा ड्रम ला के भर के रख रहा है कि पानी का कोई ठीक नहीं, कब आए कब जाए। और पूरा बेंगलोर साउथ का यही हाल हुआ हुआ है, यहाँ पे इतना ज़्यादा अपार्टमेंट्स मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं और इस इलाका में सिर्फ पथरीला, मतलब आप जहाँ पे भी खोदोगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पत्थर आपको मिलेगा, क्योंकि ये प्लेटू इलाका है ना, पानी यहाँ पे बहुत कम मिलता है। और जहाँ पे मैं पहले रहती थी BTM में, वहाँ पर कभी भी पानी का कोई प्रॉब्लम कभी नहीं हुआ, होता था काफ़ी पानी नहीं आता था कभी कभी, लेकिन बोरवेल का पानी हमेशा रहता था। पर यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है, कावरी का पानी का सप्लाई यहाँ पे है नहीं, और जो बोरवेल का पानी के ऊपर जो हम लोग जो रिलाई करते हैं वहाँ पे वो भी ख़त्म हो चुका है, मतलब जो पानी का लेवल है ना वो बहुत ही नीचे चला गया है। पता नहीं मैनेजमेंट या सिविक बॉडी क्या करेंगे, इस परेशानी को हल कैसे निकालेंगे। टैंकर भी बहुत ज़्यादा चार्ज करता है, इतना ज़्यादा, मतलब पहले तो 700-750 लेता था, अभी वो डबल हो गया, 1400 हो गया। कहीं कहीं जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे तो 2000 करके लेता है, और उसका भी कोई ठीक नहीं है व्यू कब आए। हमारा जो पुराना टैंकर वाला था वो आता है देने के लिए, लेकिन सुबह को जहाँ पे 5-5:30 दे के जाता था वो अभी शाम को 8 बजे दे के जाता है, मतलब दिन भर एक कतरा पानी नहीं रहता है। पानी को ना जैसे तबरुक के जैसे हम लोग यूज़ करें। और यहाँ पे देखिए मेरा तो चाय चढ़ा दिए और सारे बच्चे यहाँ पे सो रहे थे, सबको मैंने खाना खिला दिया, मतलब घर साफ़ कर लिया, किचन साफ़ कर लिया, सिर्फ मेरा नहाना बाकी था, जो मैं सोची पानी आएगा तो फिर मैं कर लूँगी, अब ये पानी शाम को आएगा। यहाँ पे नाश्ता मेरा हो गया, करीब 11:30 का वक्त हो रहा था, और नाश्ता करने के बाद मैं निकल गई थी डब्बा लेने के लिए, ड्रम देखने के लिए। वो इतना महंगा हो गया है, मतलब 150 का ड्रम बोल रहा है 550-650, और मैं धूप में बहुत ज़्यादा घूमी थी, मतलब यहाँ पे दूर दूर दुकानें हैं, इतना मतलब
कोई भी आपको मतलब दुकानें इतना करीब नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे, अगर आपने मेरे पहले मतलब वीडियोस में देखे, बहुत ही खाली बंजर जगह यहाँ पे है। तो मैं दूर दूर निकल गई थी, धूप हो रहा था, और जब मैं वापस आई पूरा मेरा आवाज़ बैठ गया, अभी भी मेरा आवाज़ बैठा हुआ, मतलब इतना ज़्यादा खांसी हो रहा था, ठंड लग गया था, मतलब धूप और सर्द जो एक साथ होता है ना, वैसे हो गया, आवाज़ पूरा मतलब खराश हो रहा है, इतना ज़्यादा खराश हो रहा है। खैर ये तो हो गया दोपहर के वक्त। शाम के वक्त मैं बच्चों को खाना खिला दी और करीब 8:15 बजे पानी आया, मतलब कोई जो सुबह आया था 7:30-8 बजे, उसके बाद अब आया 12 घंटे के बाद। और देखिए सारा मेरा किचन का बर्तन दिन भर में तो होता है ना, पूरा वैसे ही रखा हुआ है, और पानी का फोर्स देखिए कितना पतला आ रहा है, और इससे थोड़ा सा मोटा वॉशरूम में आता है, बस यही दो जगह सप्लाई पानी का ऐसे ही होता है। और ये घंटा डेढ़ घंटा रहेगा, मतलब 8:30 से लेके 9:30 बजे तक रहेगा, उसके बाद चले जाएगा, फिर एक बार आएगा आधा घंटे के लिए, उसके बाद और दूसरे सुबह आएगा। ऐसे करके मैं जल्दी मैं सारा बच्चों को खाना खिला दी और मैं बर्तन साफ़ कर ली। एक बार मैं पोछा भी मार दी, क्योंकि बच्चे रहते हैं ना, खाना वाना गिराते रहते हैं, तो मैं पोछा मार दी। और फिर मैं अंदर गई तो जूमी बैठी हुई थी वहाँ पे, और मैं सारा कपड़े भी मैं 2 दिन से नहीं धोई थी, आज मैं धो के पूरा उसको उठा के लेके आई थी, इसको भी समेटना है। रात को मैं सब्जी बना ली, और ये जो मैं जब मंडी गई थी तो ये बोंडे वाला मिर्ची जो होता है ना यहाँ पे, इसका भजिया बनता है बेसन में डाल के, तो अच्छा होता है खाने में, और इसका सब्ज़ी भी अच्छा बनता है, तो मैं उसको बना ली। और बाकी जो गोभी और बैंगन जो लेके आई थी, और मैं सोची ये कल इंशाल्लाह बना लूँगी, मिक्स सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि 3-4 से मैं सही से खाना नहीं बना रही थी, कभी उपमा तो कभी कुछ तो कभी कुछ, जैसे आपने देखा खिचड़ी, बस वही खा के, क्योंकि पानी रहेगा तभी तो इंसान सही से खाना बनाएगा, और खाना बनाने के लिए तो मतलब बर्तन वगैरह तो किचन में तो निकलेगा है, तो पानी नहीं है, आप कितना पानी जमा करके रखोगे किचन में, उसके लिए तो जगह भी होना चाहिए ना, बड़े बड़े ड्रम आप कहाँ रखोगे। तो इसलिए मैं थोड़ा बहुत जिस मतलब कभी मैं ब्रेड खा ले रही थी, कुछ भी खा ले रही थी, 4-5 रोज से ऐसे ही चल रहा था, तो मैं सोची आज मैं सब्ज़ी निकाल लेती हूँ और बना लेती हूँ, इंशाल्लाह कल अगर हुआ तो वो मिक्स सब्ज़ी बना लेंगे।
और ये रहा मेरा लास्ट वाला पराठा जिसको मैं फ्राई कर ली थी, थोड़ा अच्छा बना था माशाल्लाह। और सारा काम करते करते रात का 10 बज गया था, मतलब 8:30 बजे पानी आया था और सब हो गया था। करीब 10:10 हो रहा था, उसके बाद मैं ईशा का नमाज़ अदा की और फिर मैं खाना खाई।